हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज के वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस जो है क्लास टेन के बच्चों के लिए है, और क्लास टेन में जो पहला लाइफ साइंस है वो लाइफ साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस के तीन स्टेप्स होते हैं। पहला, लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। पहला तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, अब ये जो लाइट एनर्जी होता है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ये कब कम चेंज होता है? जब पानी टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जब तक ये पानी स्प्लिट नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि आपका केमिकल एनर्जी नहीं बनेगा। पानी स्प्लिट करना सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, फैक्टर है, हमेशा याद रखें। जैसे ही सूरज, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो सबसे पहले पानी को तोड़ देती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में दे रहे हैं। अब ये पानी टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन भी टूट जाता है। हाइड्रोजन टूट करके इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन होते हैं, अब ये हाइड्रोजन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये पुनः हाइड्रोजन क्या होता है कि रिडक्शन में भाग लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए रिडक्शन लिखा हुआ है, तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना। अब CO2 है, CO2 के साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में C होता है, O होता है और H होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ CO होता है। तो ये डालेंगे तभी ना रिड्यूस करेगा, तो ये आएगा कहाँ से? तो ये जो आता है आपका स्प्लिटिंग से आता है, यहाँ से आता है। यानी हाइड्रोजन जो होता है उसका दो फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये हुआ कि हाइड्रोजन से एनर्जी निकलती है, या एनर्जी निकलने में भाग लेता है। हाइड्रोजन जो टूटता है तो हाइड्रोजन भी टूटता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ATP बनाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिल करके H प्लस के साथ मिल करके हाइड्रोजन कर लेता है, और वो हाइड्रोजन क्या होता है कि पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कर देता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमें इस थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो ये जो पहला दो स्टेप्स होते हैं वो लाइट रिएक्शन के पार्ट है, और ये जो दूसरा है वो डार्क, ये वाला जो होता है वो डार्क रिएक्शन के लिए होता है। ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन। डार्क लाइट रिएक्शन का मतलब होता है दिन में होता है, इसके लिए लाइट ज़रूरी है। डार्क रिएक्शन भी दिन ही में होता है लेकिन इसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं, इसको एनर्जी मिल, तो लाइट एनर्जी से ही एनर्जी जो है हमने केमिकल एनर्जी बनाई है, केमिकल एनर्जी, यही केमिकल एनर्जी डार्क एनर्जी में यूज्ड हो जाता है, होता है दिन ही में, इट इज़ ऑल्सो हैपन। तो टोटल फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब रात में नहीं होता है, होता है दिन में, लेकिन इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एनर्जी इसको काम करने में एनर्जी लगती है वो लाइट से ही आती है, जिसको हम केमिकल एनर्जी में। तो इसमें हमने फोटोसिंथेसिस में हम आपको यही बताया कि बढ़िया से आप तीनों स्टेप्स याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आने का जो क्वेश्चंस होता है ये तीन नंबर का, मान ले तीनों आप लिख देते हैं तो तीन नंबर आएंगे। ये तीन नंबर का क्वेश्चन ज़रूर है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। जैसे मान लिया कि आपका एक है तो एक नंबर क्या आया, एक नंबर का ही हुआ, एक नंबर का ही हुआ। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका तीन नंबर का है, एग्ज़ाम में मेजर इवेंट पूछा जाएगा तो तीन नंबर। ये कभी कभी चार नंबर का भी पूछ सकता है। जैसे मान लिया कि ये फोटोसिंथेसिस को क्या डिफाइन करें, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो एक नंबर ही हो गया, डिफाइन का एक नंबर ही हो गया, दो नंबर हो गया, तीन नंबर हो गया और चार नंबर। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें किसी प्रकार का तोड़ मड़ोड़ नहीं करिएगा कि आंसर लिख रहे हैं तो अपने ढंग से पूरा जैसे तैसे गलती फलती नहीं।
इसको एकदम मेजर इवेंट तीन ही होता है। तीनों मेजर इवेंट आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसका डिफिनीशन भी याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल आए तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन भी आ सकता है, या फोटोसिंथेसिस का एक नंबर में केमिकल रिएक्शन भी आ सकता है, कोई भी दे सकता है फोटोसिंथेसिस संबंधित। तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, और ये टू द कॉपी यही चीज़ आता ही है, और इसको आप लोग कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसको रेम कर लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे हमने बताया है। मार्किंग स्कीम भी हमने बता दिया कि जो भी पॉइंट रहेंगे इसको आप लोग देख लेंगे। थैंक यू।